अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू तमाम आलम सलाम और बिलखसूस सरजमीन हिंदुस्तान में रहने वाले बसने वाले तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को दिल की अमीक गहराइयों से मैं सैयद मोहम्मद गीसुद राज हुसैनी मुतवल्ली सज्जाद नशीन ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा माशूक रब्बानी, मैं अपने ख्वाजा अमीन के तमाम चाहने वाले मानने वाले हिंदुस्तान में रहने वाले बसने वाले तमाम आशिकान रसूल को ईद मिलादुलनबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस मीलाद की बरकत से, मीलाद के महीने की बरकत से, सरकार की आमद पाक की बरकत से हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे अंदर भाईचारा अता फरमाए, आपस में मोहब्बत अता फरमाए। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम प्यारे से हिंदुस्तान में रहते हैं, इस प्यारे से हिंदुस्तान में अमन सुकून हो, आपस में भाईचारा हो। हमारी दरगाह शरीफ से ये दूसरी मरतबा ईद मिलाद जुलूस ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पाक है। ये तमाम जुलूस मेरे सरपरस्त मेरे रहबर सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब क़िबला इनके सदारत में ये जुलूस ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरे बीजापुर में निकाला जाता है, मनाया जाता है। मैं तमाम लोगों को ईद मिलादुलनबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वालेकुम, जैसे कि हम जानते हैं हम हर बार ख्वाजा अमीनुद्दीन रहमतुल्लाह के दरगाह से ईद मिलाद हर साल ऐसे ही बनाते रहते हैं, शाहपुर दरवाजे से और कहाँ से ख्वाजा अमीन दरगाह से लेकर शाहपुर दरवाजे से लेकर हम ऐसे होते हुए गांधी चौक से आसार को जाते हैं हर साल की तरह। इस साल भी ख्वाजा अमीन साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, आने वाले टाइम पे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा और हम किसी हालत में ईद मिलाद करते ही रहे। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बीजापुर के पुलिस का, डिपार्टमेंट वालों का, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, हर बार हमें साथ देते रहे, हम ऐसे ही मिलाद बनाते रहे। हम दिल से एक सलूट भेजते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट वालों को। जय हिंद, जय कर्नाटक, बीजापुर। इसने मिलाद यूँ मनाना है, दिल से दुनिया को ये सजाना है, दिल से पढ़कर दरूद आका पर अपने दामन को जगमगाना है, अपने दामन को जगमगाना है। आज 12 रबी अव्वल के अवज़ में जो जुलूस निकला है शहर बीजापुर में, तमाम गली मोहल्लों से गुज़रता हुआ दरबार स्कूल ग्राउंड पर ये जुलूस इख्तिताम पर पहुंचेगा। ख्वाजा अमीन दरगाह से एक बड़े पैमाने पर बहुत ही शानदार जुलूस जो है हमारे दरगाह के सज्जादे साहब से उनकी जेर निगरानी में, यशोदरा साहब की जेर निगरानी में जुलूस निकला। बड़े ही अकीदत मोहब्बत के साथ लोग इस जुलूस में शामिल होते गए। इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर एक जो है इस जलसे में, इस जुलूस में शामिल होता गया और ये जुलूस जो है बिल्कुल अमन के साथ इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है। और मैं तमाम शहरियाने बीजापुर, तमाम आलम इस्लाम, तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को दिल से अपनी मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मौके पर मेरा मुबारकबाद आप सब कबूल करें, अल्लाह हम पर हुजूर की रहमत नाजिल फरमाए, हमारे ईमान सलामत रखे, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। बस मैं इस बात से अपने शरण शरणार्थी एलोरीगो विजयपुर नगर दल ख्वाजा अमीन आला दर्गा दिंदा इवत्तु नम्म परवादी मोहम्मद पैगंबर और दिनाचरणे निमित्तवागी इवत्तु ओंदु बहत मेरवणिगेयन्नु होरळिदे। ख्वाजा अमीन दर्गा दिंदा शापुरक्षियिंदा गांधी सर्कलिंदा बस अंबेडकर इदु दरबार हाईस्कूल ग्रौंडिगे ई भरत मेरवणिगेयन्नु तलुपता इदे। इदे रीति ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ, ಯಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಜುಲೂಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಜುಲೂಸನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯತನು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಜುಲೂಸನ್ನು ದರ್ಬಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಾಕಿ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.